अस्सलाम वालेकुम खवातीन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लाह वाली चौरंगी के पास आमिर लियाकत के घर के सामने बिरयानी सीरीज की एक वीडियो बनाने आए हैं। पता है मैं अकेला आता नहीं हूँ खाने के लिए, कोई ना कोई शख्स साथ होता है, लेकिन जो शख्स मैं लेकर आया इस बार सर हमारे दिल के करीब है, आपके दिल के करीब है, खाना जानता है, खाना बेचना जानता है। मैं बात कर रहा हूँ मुबीन भाई की फ्रॉम बेकार फिल्म बिरयानी एक्सपर्ट। ये वीडियो मैं रिव्यू नहीं दूंगा, ये रिव्यू देगा देखते हैं, क्योंकि खुद भी हम बेचते तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो तो मैं अवॉइड करूंगा रिव्यू देना। तो मैं चाहूंगा कि ये दानियल की रिव्यू दे। हाँ लेट्स ईट इट, लेट्स ईट इट। मेरा ख्याल है कि बीफ बिरयानी ट्राई करते हैं, क्योंकि चिकन काफ़ी कमर्शियल होती है तो बीफ ट्राई करते हैं। लेकिन यार चिकन भी मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि चिकन की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली खवातीन के अंदर चिकन बिरयानी बड़ी मकबूल होती है, तो हम दोनों खाएंगे। मुबीन भाई ने खाना शुरू कर दिया, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। शुरू करते हैं चावलों से, चावल बिल्कुल अलग अलग खिले खिले लग रहे हैं। अच्छा अगर आपको कभी मूड हो स्पाइसी चटपटी बिरयानी खाने का तो अल्लाह वाला बिरयानी बेस्ट है इसके लिए। मैं तो खाता ही रहता हूँ और मैं अपने स्कूल टाइम से खा रहा हूँ, तो टेस्ट उनका बिल्कुल चेंज हुआ और काफ़ी चटपटी बिरयानी होती है इनकी, मसाले वाली बिरयानी होती है। तो कराची हाइट्स आपको पता है कि मसाले ज़बरदस्त खाते हैं, उस लिहाज से बेटर है और कोई हार्ट बर्न भी नहीं होता इससे। इसमें बोटी देख रहे हो ना, असल टेंडर ये है, ये डाला इसके अंदर और ये क्या पॉइंट, ये जो बीफ है इट्स क्वाइट टेंडर, वेरी जूसी लाइक स्टेक, नहीं नहीं इतना जूसी नहीं, बट इसके साथ जो घुल रहा है ना ये वो लेवल है। और मुझे सबसे बाप चीज़ लगी इसकी मिर्चें। सर मैं एक बात बताऊँ, मुझे नहीं समझ आता हम कराची हाइट्स तो हैं लेकिन हर बिरयानी वाला मिर्चें इतनी अच्छी नहीं डालता, हमारे टेस्ट के मुताबिक इतनी मिर्चें नहीं डालता, यही बात है ना। लोग मिर्चें डालने से कतराते हैं कुछ पकवान, लेकिन इसने मिर्चें भरपूर डाली। इसको मैंने बोला था कि मुझे मसाला बाप चाहिए, दैट्स व्हाट ही डिड, मसाला बाप लेकर आया। चावल खिले खिले, चावल अलग हो रहे हैं, मिर्चें अलग हो रही हैं, बीफ अलग हो रहा है और सबका टेस्ट जो मिलकर बन रहा है ना, सो इट्स अमेजिंग, हाईली रिकमेंडेबल, हाईली। और स्पेशली मुझे लगता है पीस चीजेस वाले इस पूरे रीजन के अंदर जो भी हो, वो अगर आपने नहीं खाई बिरयानी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं बॉस अपनी लाइफ के अंदर। भाई बचा तो हो गई मेरी, ये देखो क्या चीज़ निकली है, एक कैंसर है बिरयानी का, कैंसर, खतरनाक चीज, इलायची। ये अगर मुंह में आया थी ना तो जितनी मैंने तारीफें की है ना सब खतरनाक। चिकन बिरयानी 170 रुपये, बीफ बिरयानी 190 रुपये। थक गए भाई, खा कर थक गए सर, खा कर बटन भी नहीं लग रहा, बटन भी खुल रहा है। हम लोगों ने इतना खाना खाया है कि सोच है आपकी, लेकिन ये अल्लाह वाला बिरयानी जो है ना ये लेवल है। बीफ इज़ वेरी गुड, चटपटी मिर्चों वाली, ये तो होगी इसकी तारीफ है, ठीक है। सस्ती भी है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्प्रूवमेंट्स में क्या किया जा सकता है ये मुबीन भाई बताएं। यार मेरे ख्याल से अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए थे तो मुझे फील हुआ कि फैमिलीज के लिए थोड़ा सा मसला है सिटिंग का, और चूँकि जहाँ हम बैठे हुए थे पीछे किचन था तो गर्मी काफ़ी सारी थी, मेरे ख्याल से कुछ इनको कॉम्प्रोमाइज़ भी किया हुआ इन लोगों ने, क्योंकि इनके पास जगह थोड़ी सी आगे पीछे एक्सटेंड हुई भी है तो वहाँ भी रश था, तो इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल से सिटिंग के लिहाज से फैमिली के लिहाज से होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग फैमिली के साथ भी आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है बैठने का। लेकिन मुझे लगता है टेस्ट पे इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, बहुत बात है, क्योंकि खाने की जगह तो बेसिक जो आप जज करेंगे वो टेस्ट पे करेंगे, टेस्ट तो जगह आती है बाद में, परमानेंट चीज़ है टेस्ट, टेस्ट परमानेंट है, वैल्यू फॉर मनी इज़ अमेजिंग। तो मैं आपसे ये उम्मीद लगाता हूँ कि आप लोग आएंगे अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आना खाना और फिर हमें बताना कैसा लगा। खुश रहें, दुआ में याद रखें, और दानियल का ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। अरे सर सर ये बहुत आला दे दिया हमारे साथ।